नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हरियाणा में मतगणना लगातार जारी है और जो अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं रुझान, वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं सुबह सवेरे की बात आपको बताऊं तो कांग्रेस एक तरफा आगे चलती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने हरियाणा में क्लीन स्वीप कर दिया है और जलेबियां बटनी भी शुरू हो गई थी कांग्रेस के कार्यालयों में। कांग्रेस के नेताओं के बीच जोश हाई था, लेकिन अब ये खेल पूरी तरीके से पलटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसमें सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टाई हुआ, लेकिन अब बहुमत के आंकड़े की तरफ बीजेपी बढ़ गई है। और जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस वक्त के हालात ये हैं कि बीजेपी हरियाणा में लीड लेती हुई नजर आ रही है। चलिए, ये तो बात हुई रुझानों की और इन रुझानों के नतीजों में तब्दील होने की, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि अगर हरियाणा में बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। नायब सिंह सैनी पर दाव लगाया था बीजेपी ने चुनावों से ठीक पहले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया था, खट्टर साहब को हटा दिया गया था, उनको केंद्र में ले गए, लेकिन अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नायब सिंह सैनी के हाथ में कमान जाएगी या फिर मुख्यमंत्री के फेस को बदला जाएगा? इसी पर मैं आज आपको एक खबर बताने जा रही हूं, और खबर ये है कि अनिल विज के नाम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर आगे बात बन सकती है, क्योंकि बात बढ़ रही है। अनिल विज अंबाला कैंट से 3 बार के विधायक रहे हैं, चौथी बार इसी सीट से वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात, सुबह से ही वो अपनी सीट से आगे चल रहे थे। मसलन कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बीजेपी को पछाड़ा, रुझान हालांकि बदलते हुए नजर आए जब नतीजे आने लगे, लेकिन अनिल विज कॉन्स्टेंटली अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि शैलजा के करीबी माने जाते हैं, उनको हराते हुए, पछाड़ते हुए और पटखनी देते हुए अनिल विज नजर आ रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि अनिल विज को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाने पर विचार कर सकती है। अनिल विज का नाम मैं बार बार क्यों ले रही हूँ, देखिए अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री भी रहे हैं, और अनिल विज के अंदर जो छवि दिखती है वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह अग्रेसिव है। वो हिमंता बिस्वा सरमा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरह फैसले ऑन द स्पॉट लेना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी बात पर अगर नाराज होते हैं ना तो अपनी नाराजगी सबके सामने जग जाहिर कर देते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त विधायक दल की बैठक हुई थी और नायब सिंह सैनी को चुना गया था मुख्यमंत्री पद के लिए, उस वक्त अनिल विज बदसलूकी करके निकल गए थे। खबर तो ये तक आई थी कि गाली गलौज करके उठकर गए हैं, क्योंकि वो आहत थे इस चीज से, वो मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को देख रहे थे। तो वो प्रबल दावेदार हैं, उनके समर्थक मान रहे हैं कि अनिल विज को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और बीजेपी के पास अब उनसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन शायद हरियाणा में ना हो। क्योंकि जब जब हम हरियाणा का जिक्र करते हैं तो नूह का जिक्र करते हैं, मेवात का जिक्र करते हैं, नूह में कैसे हालात हैं। कहा तो ये तक जाता है कि अगर नूह से जिस तरीके से जुलूस की वीडियो सामने आई, कुछ मुसलमानों ने वहां पर फिलिस्तीन के झंडे तक लहराए, अगर ये सारी चीजें कोई कंट्रोल कर सकता है तो अनिल विज जैसा एक प्रबल नेता, अनिल विज जैसा एक प्रखर नेता ही इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है। और शायद इसीलिए हरियाणा में अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग लगातार उठ रही है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये मांग साकार होती है या नहीं, हरियाणा में बीजेपी का सपना पूरा होता है या नहीं, या फिर कांग्रेस को मौका मिलता है जलेबियां बांटने का। और देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप अनिल विज की राजनीति पर और इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं जरूर बताएं।